गांव की वास्तविक स्थिति को कैमरे की नज़र से देखने का सिलसिला ABPS न्यूज का जारी रहा और अमरोहा जिले के कूड़ा माफी गांव में हमारी टीम पहुंची, जहां पर ग्राम प्रधान सुमनलता हैं। इस गांव की कुल आबादी 1760 है, तो वहीं 1450 यहां पर वोटर बताए जाते हैं। राशन कार्ड धारक यहां 503 हैं। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में सड़क का निर्माण, खड़ंजे, इंटरलॉकिंग के साथ साथ 169 शौचालय भी बनवाए गए हैं, तो कुछ लोगों को आवास भी मुहैया कराने में ग्राम प्रधान का योगदान रहा है। केंद्र और राज्य सरकार से इस गांव की मांग है कि ग्राम पंचायत में निधि बहुत कम आती है, ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 गाँव आते हैं। कूड़ा माफी में पानी निकासी बहुत बड़ी समस्या है। ग्राम प्रधान का कहना है विधायक या सांसद की निधि से एक नाले का निर्माण कराया जाए तो उससे पानी निकासी की समस्या हल हो सकती है। तो वहीं अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो यहां पर उनका भी काफी अभाव है। ब्लॉक से 16 किलोमीटर, थाने से 10 और तहसील से 10 किलोमीटर के साथ साथ जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर बना हुआ ये गांव, जिसके पास में अपनी पंचायत की कोई परिसंपत्ति नहीं है। साथ साथ तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो ग्राम प्रधान अपनी निधि के द्वारा हल नहीं करा सकते। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। ग्रामीणों के साथ साथ ग्राम प्रधान की भी यही मांग है कि यदि सरकार समय रहते इस गांव पर ध्यान दे तो इस गांव की तरक्की में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ग्राम प्रधान का बड़ा भाई रविंद्र कुमार, मेरी ग्राम पंचायत कूड़ा माफी है, विकास खंड अमरोहा है, जिला अमरोहा है। और हमारे यहाँ जो है गांव में क्षेत्रफल जो है बहुत ज़्यादा है, जो रास्तों का क्षेत्रफल है पूरी ग्राम पंचायत 3 गांव लगते हैं। और जो हमारे शासन से जो निधि आती है वो बहुत ना के बराबर आ रही है। तीनों गांव में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा है, बहुत कम निधि है। और अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे गांव की जो ये निधि वाली परेशानी अगर प्रशासन से सोल्व हो जाए तो थोड़ा सही होगा, उससे गांव का विकास हो जाए। बाकी सब गांव में जितने भी हैं शौचालय हैं, वो हमने शौचालय सब बनवा दिए हैं। 169 शौचालय बने हैं इस गांव में। और आवास थे वो आवास बनवा दिए हैं, जिनमें 4 इंदिरा आवास हैं और एक लोहिया आवास था वित्तीय वर्ष में। और इस आने वाले वर्ष में भी 3 इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास हैं वे स्वीकृत हुए हैं। 3 आवास जो पात्र हैं, हमारे ग्राम सचिव ने आकर उनकी जांच की है, सही पाया गया, वो सब सही हैं। और अधिकारियों ने उनकी जांच करी है, वो सब पात्र हैं जो आवास हैं। बाकी और यही है कि गांव में जो भी विकास कार्य हों उससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो जाते हैं। अब थोड़ा जब पैसा आता है तो उसमें कहाँ ज़्यादा विकास हो पाता है। गाँव के रास्ते जो ज़्यादातर खड़ंजे युक्त हैं, पहले कुछ CC भी कराई हैं, जितना पैसा आ रहा है उसी हिसाब से कुछ टैल्स भी लगाई हैं, स्कूलों में काम कराया है, 4 दीवारी की मरम्मत कराई है, गेट लगवाए हैं स्कूलों में, शौचालयों का स्कूल में निर्माण कराया है। हमारे प्रधान जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने सामने बिल्कुल बनाते हैं।